देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड्स में बदलाव हुआ है उनके स्टॉक्स की शेयर होल्डिंग में। जून में कौन सी कंपनियों में SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और क्या बेचा है, इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए किस तरह के आंकड़े निकल कर आए हैं और ट्रेंड क्या दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा फंड हाउस और इनके जो इक्विटी एसेट्स है लगभग 4 लाख करोड़ के है। टॉप एक्सपोजर देखा जाए तो फाइनेंशियल्स और आईटी में रहेगा, लेकिन जो रीसेंट जो बाइज हुए लार्ज सेक्टर में, वहाँ पे फाइनेंशियल्स और मटेरियल सेगमेंट में जो है बाइज देखने मिले हैं। सबसे बड़े सेक्टर में सेल्स हैं वो आपके हेल्थ केयर और एनर्जी में है। अब आपके जो टॉप एडिशन जो है नए स्टॉक्स आए हैं उसमें सबसे पहले पारादीप फॉस्फेट्स का है, लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स आए हैं। अब याद रखिएगा कि ये जो स्टॉक्स हैं, कंपनी जो AMC थी वो एक एंकर के भी बुक के भी इनके पोजीशंस थे। प्रिज्म जॉनसन में भी लगभग 2 करोड़ शेयर्स का जो है एंट्री लिया गया है। ई मुद्रा जो रिसेंटली लिस्टेड हुई 1 महीने पुरानी स्टॉक है जो एक्सचेंजेस में आई, वहाँ पर 10 लाख शेयर्स का जो है एंट्री आया है। JNFC और नज़ारा टेक में भी जो है कंपनी ने AMC ने पोजीशंस बनाए हैं। और अब याद रखिए नज़ारा टेक जो था स्टॉक 10% जो था जून के महीने में भी भागा था। अब की सेल्स के बताते कि इम्पॉर्टेंट जो है बिकौली कहाँ पे देखने मिली है, तो आपके सबसे पहले है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, मिड कैप स्टॉक है, लगभग 55 लाख शेयर्स का जो है आउटफ्लो हुआ है। इसके अलावा पावोमेक प्रोजेक्ट्स में भी जो है 13 लाख शेयर्स बेचे गए हैं। हेस्टर बायोसाइंस, हालांकि स्टॉक भी प्रेशर में था पिछले 2 से 3 महीने में, अब यहाँ पर लगभग 10 लाख शेयर्स का यहाँ पर भी सेल हुआ है। इंडिया ऑटो एंसिलरी कंपनी है, यहाँ पे 7 लाख शेयर्स हुई है। बेसिकली स्टॉक में बहुत अच्छी रनअप देखने मिली, तो प्रॉफिट बुकिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी जो है AMC कंपनीज कर रहे हैं। और आखिर में विजया डायग्नोस्टिक्स के बाद बात करेंगे, यहाँ पे भी 1 लाख शेयर्स का सेल हुआ है। ठीक है, तो नज़ारा टेक भी खरीदा है SBI ने। शरद, वैसे बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए, लेकिन नज़ारा टेक और डेल्टा कॉर्प आज इसलिए फोकस में है क्योंकि